Hello everyone, welcome back. So in this video, we will see about Khilafat and non-cooperation movement. तो खिलाफत इशू हुआ क्यों था? उसके पीछे कुछ कारण थे. क्योंकि बिना कारण के पूरी दुनिया में जो मुस्लिम थे, वो ऐसे ही कोई मोमेंट तो स्टार्ट करेंगे ही नहीं. एंड दिस खिलाफत मोमेंट वॉज नॉट ओनली इन इंडिया, बट ये वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में भी चल रहा था. चलिए देखते हैं कि इसके पीछे की स्टोरी क्या थी. द वर्ड खिलाफत हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड खलीफा, यूज्ड फॉर रूलर इन अरब एंड अदर इस्लामिक वर्ल्ड. जो वर्ड है खिलाफत, वो एक्चुअली डिराइव किया गया है खलीफा वर्ड से, ठीक है. एंड ये जो है ये एक अरेबिक वर्ड है, एंड इसका मतलब होता है कि किंग. जो इस्लामिक वर्ल्ड का जो मेन किंग होगा, जो मेन लीडर होगा, उसको हम कहते हैं खलीफा. तो उसी से निकाला गया खिलाफत मोमेंट. द खलीफा ऑफ टर्की वाज रिगार्डेड एज द स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल हेड ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड. जो खलीफा था, मीन्स जो किंग था टर्की का, उसका जो वर्चस्व था वो बहुत ही ज़्यादा था. वो एक स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल लीडर था सारे मुस्लिम कंट्रीज़ के लिए, सारे मुस्लिम पीपल के लिए, जितने भी लोग थे जो इस्लाम को फॉलो कर रहे थे उनके लिए ये जो खलीफा था, मीन्स जो किंग था टर्की का, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था. क्यों? क्योंकि वो उनका स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल लीडर था. टर्की लॉस्ट वर्ल्ड वार वन अलॉन्ग विद जर्मनी. जर्मनी के साथ कौन लड़ रहा था? टर्की लड़ रहा था वर्ल्ड वार वन में, एंड उसमें जर्मनी की हार हुई, एंड साथ ही टर्की भी हार गया वहाँ पे. द एलाइड पावर्स, एलाइड पावर्स में कौन कौन थे? तो इंग्लैंड थे, फ्रांस थे, अमेरिका था, एंड और भी थे. तो जो एलाइड पावर्स थे, द एलाइड पावर्स हैड इम्पोज्ड ए ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी ऑन जर्मनी इन जून 1919 नियर पेरिस. तो ये जो एलाइड पावर्स थे, ये सारी कंट्रीज, उन्होंने बहुत ही बेकार सा, कह सकते हैं अपमानजनक, एक ट्रीटी लगा दी जर्मनी के ऊपर, एंड वो बहुत ही ज़्यादा अपमानजनक था. एंड ए सिमिलर ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी वॉज बींग प्लान फॉर टर्की, एंड टर्की के लिए भी वैसे ही कुछ अपमानजनक ट्रीटी होने जा रही थी. एंड जैसे ही मुस्लिम लोगों को पता चला कि टर्की के ऊपर भी ऐसा कुछ अपमानजनक चीज़ें होने वाली है, तब सारे जो मुस्लिम थे वो एकजुट हुए, एंड उन्होंने इस चीज़ को अपोज किया. क्यों? क्योंकि टर्की का जो लीडर था वो उनका स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल लीडर था. टू पुट प्रेशर ऑन इंग्लैंड, फ्रेंच एंड Americans, the Khilafat movement was launched in many Muslim countries and thus became a pan-Islamic movement. And England, France, Americans, इन सब के ऊपर प्रेशर डालने के लिए ही खिलाफत मोमेंट स्टार्ट हुआ, ताकि ये कंट्रीज मिल के जो टर्की का जो खलीफा था, जो किंग था, उसके ऊपर ये लोग कोई ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी ना कर पाएँ, यानी कि कोई भी अपमानजनक चीज़ ना कर पाएँ. क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो ये सारी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बहुत ही अपमानजनक होता. इस चीज़ को होने से बचाने के लिए ही खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया गया था. इन इंडिया ए खिलाफत कमेटी वॉज फॉर्म्ड एट बॉम्बे बाय द अली ब्रदर्स. इंडिया में भी खिलाफत कमेटी बनाई गई, एंड वो कहाँ पे स्टार्ट हुआ? वो बॉम्बे में स्टार्ट हुआ. किसने स्टार्ट किया? अली ब्रदर्स. अली ब्रदर्स में कौन कौन थे? तो मोहम्मद अली एंड शौकत अली. तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि खिलाफत मोमेंट इंडिया में किसने स्टार्ट करवाया था? तो वो स्टार्ट करवाने वाले थे मोहम्मद अली एंड शौकत अली. तो ये हुआ खिलाफत मोमेंट के बारे में. चलिए अब देखते हैं नॉन कोऑपरेशन मोमेंट के बारे में. नॉन कोऑपरेशन मोमेंट, द नॉन कोऑपरेशन मोमेंट वॉज फॉर्मली लॉन्च्ड ऑन 1 अगस्त 1920. एक्चुअली में ये 1920 में ही लॉन्च हो गया था. इट रिकमेंडेड बॉयकॉट ऑफ द गवर्नमेंट टाइटल,
law courts, government educational institutions and foreign courts. जितने भी लोग थे जो सरकारी स्कूल में जाते थे, जो सरकारी दफ्तरों में काम करते थे, जो वकील थे कोर्ट में, उन सारे लोगों ने अपने टाइटल्स, अपना जॉब छोड़ दिया था. एंड जो इंडियन लोग थे वो लोग क्या कर रहे थे, फॉरेन गुड्स को बायकॉट कर रहे थे कि हम फॉरेन गुड्स यूज़ नहीं करेंगे. एंड एम्फेसिस वाज लेड ऑन प्रमोशन ऑफ स्वदेशी. एंड जो देश में बनी हुई जो चीज़ें थी उसके यूज़ के लिए बढ़ावा दिया जा रहा था. इन 1920 itself, एंड अलायंस वॉज फाउंड बिटवीन खिलाफत लीडर्स एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस. दे ज्वाइंट द नॉन कॉपरेशन मोमेंट लॉन्च्ड बाय गांधी. ठीक है, गांधी ने लॉन्च किया ये नॉन कॉपरेशन मोमेंट. एंड एक अलायंस फॉर्म हो गया था खिलाफत लीडर्स एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर्स थे उनके बीच में. उन लोगों ने हाथ मिलाया एंड उन दोनों पार्टीज़ ने मिल के गांधी के नॉन कॉपरेशन मोमेंट को और सक्सेसफुल बनाने में हेल्प किया. बायकॉट ऑफ फॉरेन क्लॉथ वॉज मोस्ट सक्सेसफुल प्रोग्राम ऑफ द नॉन कॉपरेशन मोमेंट. ठीक है, विदेशी जो कपड़े थे उनका त्याग करना जो था वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा नॉन कॉपरेशन मोमेंट के अंदर. द नॉन कॉपरेशन मोमेंट वॉज डूइंग वेल इन नियरली ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, बट द चौरी चौरा इंसिडेंट इन 1922 इन विच 22 पुलिसमैन वेयर बर्न्ड अलाइव बाय द मॉब फोर्स्ड गांधी टू विदड्रॉ द मोमेंट एज इट वॉज अगेंस्ट हिज प्रिंसिपल ऑफ सत्याग्रह. नॉन कॉपरेशन मोमेंट जो था वो बहुत अच्छे से चल रहा था एंड खिलाफत जो लीडर थे उनका भी सपोर्ट नॉन कॉपरेशन मोमेंट में था. वो लोग भी सपोर्ट कर रहे थे नॉन कॉपरेशन मोमेंट को. तो जितनी भी पब्लिक थी वो एकजुट दिख रही थी नॉन कॉपरेशन मोमेंट के अंदर एंड इट वॉज गोइंग वेल. बट क्या होता है कि 1922 में चौरी चौरा नाम की जो जगह है वहाँ पे 22 पुलिस वालों को लोगों ने भड़के हुए जो लोग थे, गुस्साए हुए जो लोग थे, उन्होंने जिंदा जला दिया था. इनफैक्ट पुलिस स्टेशन को ही जला दिया था जिसमें 22 पुलिस वाले मर गए थे. एंड गांधी जो थे वो अहिंसा का मार्ग फॉलो करना चाहते थे हमेशा से. तो इनके लिए ये बहुत ही बड़ा झटका था कि उन्होंने एक पीसफुल मोमेंट स्टार्ट किया था बट ये एक खून खराबे के रूप में निकलता आ रहा था. इसके वजह से गांधी को बहुत बड़ा झटका लगा एंड उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि नॉन कोऑपरेशन मोमेंट ख़त्म होता है यहाँ पे. अभी तक मेरे देश के लोगों ने सत्याग्रह का मतलब नहीं समझा है. एंड इस वजह से इंडिया के बाकी जो लोग थे वो शॉक्ड थे क्योंकि गांधी ने बिल्कुल पीक पॉइंट पे बोल दिया कि नॉन कोऑपरेशन मोमेंट ख़त्म किया जाता है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे रिजल्ट जो है बहुत अच्छा मिल रहा था इंडियंस को. सो इट वॉज़ ए शॉकिंग न्यूज़ फॉर रेस्ट ऑफ द इंडिया. बट गांधी जो थे अपने प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे थे एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ही विड्रू दैट नॉन कॉपरेशन मोमेंट. तो आज के वीडियो में इतना ही. अगले वीडियो में हम देखेंगे बरदोली सत्याग्रह के बारे में. सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय.